मौसम स्मोकी पर स्मोकी पे तो लगे इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? नमस्ते। आज आए हैं देखने के लिए जुरासिक वर्ल्ड, तो देखते हैं कि आज जैसे फिर निकलती है टिकट्स मिलती हैं या नहीं। तो टिकट्स मिल जाएँ क्योंकि अभी जो है वो 1:15 की शो है, लेकिन हम 1 बजे पहुँचे हैं, तो देखते हैं कुछ गए लेने के लिए। अब हमें मिलती है टिकट या नहीं मिलती है वो देखते हैं। हमारे टिकट्स बुक हो चुकी हैं, आए आज जुरासिक के लिए। तो होप सो अच्छी फिल्म होगी, हमें पसंद आएगी इंशाल्लाह। देखते हैं कि कैसी फिल्म होती है। अभी फ्राइडे को रिलीज़ हुई थी, देखते हैं। टिकट हमें मिल गई हैं। ये काउंटर है जहाँ से मिलता है, कुछ ना कुछ खाने के लिए लेते हैं हम। फाइनली हमने हॉट डॉग्स ले लिए खाने के लिए। पहले नाचोस खाते थे, अब जो है वो हॉट डॉग्स ले लिए। अच्छी फिल्म थी और आप भी जाके देख कर आए। डायनासोर्स वाली अच्छी फिल्में होती हैं। आप क्या रेट कर रहे हैं इसको? 7। मैं 7.5। और फिर आरश देखते हैं कितना रेटिंग करता है। आप कितना रेट कर रहे हैं इसको? 1 out of 10। 1 out of 10? व्हाई? आपको पसंद नहीं आई? बोरिंग हुई। अब मुझे तो बहुत पसंद आई थी ये फिल्म। मैं बचपन से देखती आ रही हूँ ना ये जुरासिक पार्क वाली फिल्म, मुझे बहुत पसंद आई। मैं जब 20 के अराउंड ईयर्स में थी, 20s में थी, तब से देखती आ रही हूँ जुरासिक पार्क। तो मुझे तो बहुत शौक होता है देखने के लिए, मैं तो देखती रहती हूँ। लेकिन ये जो है वो 7.5 थी, इतनी अच्छी थी। जुरासिक पार्क जो फर्स्ट पार्ट था ना, वो बहुत ही अच्छी थी, को अभी तक बुला ही नहीं सकते। ये फिल्म्स लगी हुई हैं, मिस मार्वल, डॉक्टर स्ट्रेंज देख के आए थे, और बज़ लाइटियर आने के बज़ लाइटियर भी देखना है हमें। आने की ये वाली फिल्म देखेंगे हम, कादिया तुम जिंदाबाद अच्छी दिख रही है। प्रमोट करना चाहिए इसको, पाकिस्तानी फिल्म्स को। खाली हमें आउटसाइड मतलब हॉलीवुड फिल्म्स या मतलब वो नहीं देखनी चाहिए, और पाकिस्तानी फिल्म्स को भी प्रमोट करना चाहिए। लोग बहुत कम देखते हैं, इसकी वजह से शोज़ लगी हुई भी नहीं है। पाकिस्तानी फिल्म जो आई थी ईद पे, तो वो नहीं लगी हुई है, खाली हॉलीवुड की लगी हुई है। अच्छा, ये जो है वो कंस्ट्रक्शन होने से पहले, मतलब इम्तियाज जो प्लेस में है, कंस्ट्रक्शन होने से पहले का जो है ये वीडियो शूट किया था मैंने। अब तो बन गया है, और यहाँ सामने स्केलेटर्स भी हैं, तो वो आगे चल के मैं आपके दिखाऊंगी कि क्या क्या डिफरेंस हुआ है, कि पहले कि बना था तो कैसा था, आप कैसा है। हाँ, अरे मिलना, ये फ्रिज। हाँ, हाँ।
अब जैसे देख सकते हैं कि इम्तियाज और ये आइडियाज साथ साथ हैं, जैसे मैंने आपको जब कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो उस वीडियो में दिखाई थी। लेकिन एंट्रेंस इसका यहाँ से नहीं है, एंट्रेंस पीछे की तरफ से। तो ये एंट्रेंस है और फिर यहाँ पे जो है वो ये नया जो बनने के बाद के हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। गेट पर इतना अच्छा लग रहा है, दिल कह रहा है सारे उठा कर खरीद के ले जाऊँ। और यहाँ पे सामने आइडियाज है, ये कंस्ट्रक्शन से पहले जैसे मैंने दिखाया कि ये सामने आइडियाज हैं और यहाँ पे काउंटर्स वही हिस्सा है। Chocolates are my weakness. और ये सामने जूस बार, और ये वही काउंटर्स हैं जो जिसपे ग्रॉसरी रखी हुई है, वही सेम आप पहले भी देख सकते हैं जो मैंने दिखाया आपको वीडियो दिखाई। ये कंस्ट्रक्शन से पहले जो है मीट और ये चिकन के और जो भी फ्रोजन आइटम्स वहाँ पे रखे हुए हैं और ये सामने फ्रिज रखे हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बाद में, अब सूरत हाल जो है वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जैसे फ्रोजन आइटम्स का बना हुआ है, यहाँ पे फ्रिज रखी हुई है तो वो सेम है। और ये कॉर्न्स रखे हुए हैं, अच्छे लग रहे हैं स्वीट कॉर्न्स। और ये फर्स्ट फ्लोर है इम्तियाज का, जो जहाँ पे ये स्टेशनरी का सामान भी रखा हुआ है और किस सेक्शन टॉयज रखी हुई थी, तो यहाँ पे और पीछे की साइड पे जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी रखे हुए थे। और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि पिछले ये जो बोर्ड गेम पड़ा हुआ है मोनोपोली, तो वो कौन खेलता था, मतलब बचपन में या अब भी कौन कौन मोनोपोली खेलता है। मैं तो बड़े शौक से खेलती थी। इस साइड पे क्रॉकरी के आइटम्स हैं और हाउस होल्ड के आइटम्स भी रखे हुए, बहुत अच्छी वैरायटी रखी हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे मग्स इतने अच्छे रखे हुए थे, इतनी अच्छी डिज़ाइंस थी मग्स की कि मुझे बहुत पसंद आ रही थी। ट्रेस भी, डिश भी बहुत अच्छे रखे हुए थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, होप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूर दबाइएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।